जम्मू के डेडो जिले में सुरक्षा बलों पर 11 जून को हुए आतंकी हमले के सिलसिलेवार सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें, सुरक्षा बल पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल की अलग अलग टीमें ऊपरी इलाके के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सुरक्षा बल डोडा जिले के पहाड़ी जंगली इलाके में छिपे आतंकवादियों से ताजा संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं। 11 जून की रात को आतंकवादियों ने डोडा के चटर गल्ला में सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल के 5 सैनिक और 1 विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। रियासी और कठुआ के बाद जम्मू इलाके में पिछले 3 दिनों से यह तीसरा आतंकी हमला था। बुधवार शाम को जिले में गदोह इलाके के कोटा टॉप गाँव के एक तलाशी दल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बता दें, सुरक्षा कर्मियों ने डोंडा जिले में जाई इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन तीनों में एक दंपत्ति और एक किशोर शामिल है, जिन पर आतंकवादियों को भोजन मुहैया कराने और सुरक्षा बलों को उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के विफल में संदेह पर गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हाल ही में हुए आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पिछले सप्ताह रियासी और कठुआ एवं डोंडा जिले में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें से 1 CRPF और 2 आतंकवादियों सहित 10 लोग मारे गए हैं एवं 50 अन्य लोग घायल हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।